सो गाइज, आज के इस वीडियो में सीखेंगे वायरल विंग्स चेयर विथ योर नेम फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ इस तरह की एडिटिंग तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर पर आ जाना है। आप क्रोम ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर्च बार में आना है और यहाँ पर सर्च करना है बिंग AI जनरेटर। सर्च होने के बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सरप्राइज भी नाम है उसकी जगह आपको ज्वाइन एंड साइनअप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको साइनअप कर लेना है। साइनअप होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ उस तरह से आपको भी टाइप कर लेना है। टाइप होने के बाद यहाँ पर देखिए जो GS Edit नेम है उसकी जगह आप अपना नेम भी टाइप कर सकते हैं। और ऊपर जो ब्लैक आउटफिट्स है उसकी जगह आउटफिट का भी कलर चेंज कर सकते हैं आप। इतना होने के बाद आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो की क्रिएटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको वेट कर लेना है, ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा। तो यहाँ पर लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगा हमारी फ़ोटोज़ देखिए जनरेट होकर आ चुकी है। तो अगर आपको इसमें भी और भी फ़ोटो जनरेट करनी है तो आपको फिर से ऊपर की तरफ आना है और क्रिएट पे दोबारा क्लिक कर देना है। तो इनके अलावा और भी फ़ोटोज़ क्रिएट होकर आ जाएगी, इसमें भी सेम टाइम लगेगा। यहाँ पर भी आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए और भी फ़ोटोज़ हमारी जनरेट होकर आ चुकी है, पहले वाली फ़ोटोज़ से अलावा अलग फ़ोटोज़। तो यहाँ पर आपको अगर किसी फ़ोटो को गैलरी में फुल क्वालिटी में सेव करना है तो उस फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।